Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको JBL के तरफ से आने वाले दो ईयरबड्स के बारे में बताने वाला हूँ, JBL Tune Beam एंड JBL Tune Buds। ये दोनों जो ईयरबड्स हैं वो JBL के तरफ से इंडिया में लॉन्च किए गए हैं। 5,000-6,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ये दोनों ईयरबड्स आते हैं। सो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ईयरबड्स के जो स्पेक्स हैं, जो की स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा इसमें आपको जो है परचेस करना चाहिए। सो गाइज़, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, JBL Tune Buds एंड JBL Tune Beam, इन दोनों में क्या कुछ दिए गए वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको इन ईयर वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन विथ स्मार्ट एम्बियंट जो है आपको दोनों ही में मिल जाता है, JBL प्योर बेस साउंड आपको दोनों ही में मिलता है। डिफरेंस कहाँ पे है, तो डिफरेंस है इसके ड्राइवर साइज़ में। JBL Tune Buds में आपको 10 mm का ड्राइवर साइज़ मिलता है एंड JBL Tune Beam में आपको 6 mm का। दोनों ही में आपको क्वाड माइक दिया गया है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए कॉल में, और दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, मल्टी कनेक्शन का सपोर्ट, 36 आवर का टोटल बैकअप आपको दोनों में मिलता है, IP54 का रेटिंग आपको दोनों ही में देखने को मिल जाएगा, 3 कलर ऑप्शंस दोनों ही में अवेलेबल है, और प्राइस में 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। JBL Tune Buds का प्राइस है 5,499 एंड JBL Tune Beam का प्राइस है 6,499। सो इस प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन JBL Tune Buds जो है इसमें आपको जो ड्राइवर साइज दिया गया वो 10 mm का दिया गया है एंड JBL Tune Beam जो है इसमें आपको ड्राइवर साइज 6 mm का दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा अच्छा बेस और थोड़ा ज़्यादा लाउडनेस आपको JBL Tune Buds में देखने को मिलेगा, ना कि JBL Tune Beam में। बट इसका ड्राइवर साइज कम है तो यहाँ पे आपको बेस भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा और एक क्वालिटी ऑफ साउंड जो है आपको दोनों ही बर्ड्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, इन दोनों में से कोई एक आप परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो अवेलेबल है और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां मोटिव था मेरा कि इन दोनों का स्पेक्स मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ इसमें अवेलेबल है, नॉइज़ कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन सब इसमें दिया गया है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।